हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्टैटिक जी के टॉप 50 एमसीक्यूज। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका सेट टू है। इसका जो पहला वाला सेट है, सेट वन, ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैरेडमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ। तो इलायची पहाड़ियाँ किसकी सीमा पर स्थित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कैरेडमम हिल्स है ना, ये आती हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर्स में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है मैप, और ये जो देख रहे हैं इस तरफ है केरला और इस तरफ तमिलनाडु। तो इस एरिया में जो है कैरेडमम हिल्स पाया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, रन्स थ्रू तमिलनाडु एंड केरला, फेमस फॉर स्टैग और साउदर्न माउंटेन ऑफ मेनलैंड इंडिया। तो ये साउदर्न माउंटेन होता है मेनलैंड इंडिया का। तो ये है अबाउट कैरेडमम हिल्स, होता है ये केरला और तमिलनाडु में। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से हुगली। हुगली रिवर का ये दामोदर रिवर जो है ट्रिब्यूटरी होता है। देखिए, दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो दामोदर नदी को जो है हम सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। हुगली रिवर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो बनाया गया है कोलकाता में। तो जो है ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया है हुगली रिवर के नीचे, राइट। तो अंडर वाटर जो मेट्रो है ये बनाया गया है अंडर हुगली रिवर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स से काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में दामोदर नदी की बात की जाए तो ये हुगली रिवर की जो है एक ट्रिब्यूटरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रॉइड आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। तो ये किस दो जो प्लैनेट्स हैं उसके बीच में पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मार्स और जुपिटर। देखिए, आपको यहाँ पे इमेज से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, और ये है मार्स, और मार्स के बाद यहाँ पे आप देखिएगा ये है जुपिटर। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है, यहाँ पे ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, ये वाला जो एरिया है ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट का। ओके, तो ये पाया जा रहा है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मार्स एंड जुपिटर। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी। तो देखिए, बुक है जिसका नाम है द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ जर्नी। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है मोहम्मद अली ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है ना, ये कहा गया है इनमें से प्रेम्बल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसको कहा गया है, तो फ्रेंड्स, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर जो है ना, ये कहा गया है, इन्होंने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेम्बल है, और हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर, ये कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे अलग है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, आ प्रेम्बल इज द प्रेफेस ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It is also called as soul of our constitution because whenever there arises a doubt in the interpretation of the constitution, the matter is decided in the light of preamble. तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये कहा जाता है soul of constitution, क्योंकि अगर कोई भी doubt arise होता है और उसको अगर आपको solve करना होता है तो उसको जो है यहाँ पे preamble के accordingly जो है matter को resolve किया जाता है, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हर साल फ्रेंड्स इसको मनाया जाता है फरवरी 28 को। देखिए, नेशनल साइंस डे जो है फरवरी 28 को मनाया जाता है हर साल। ये होता है यहाँ पे, देखिए, रामन इफेक्ट की यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी बाई सर सी वी रामन। तो इस दिन को मनाया जाता है एज नेशनल साइंस डे, राइट। साथ में बाकी सारे ऑप्शन की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 10 क्या होता है, अगस्त 10 मनाया जाता है एज इंटरनेशनल लायन डे। ओके, जुलाई 29 की बात करें तो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है ये। और नेक्स्ट है अप्रैल 22, ये होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, तो ये है तीनों अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं।
और फ्रेंड्स 2023 में जो है ना नेशनल साइंस डे के लिए यहाँ पे थीम जो है ये दिया गया था, देखिए मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये इसका थीम दिया गया था। ठीक है, तो आपको थीम भी साथ में याद रखते हुए चलना है, जो करंट अफेयर्स है आपको जो है स्टैटिक पोर्शन के पैरेलली यहाँ पे रेडी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे देखिए, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, फौजिल नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क भी यहाँ पे लोकेटेड है, नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जिसको हम प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। तो ये कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश में लोकेटेड नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, फोक ड्रामा राहुला इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ यूपी, तो राहुला जो है फ्रेंड्स ये एक फोक ड्रामा है, आपको बताना है ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन में ये फोक ड्रामा राहुला एसोसिएटेड है। बढ़ेंगे आगे और आपका अगला क्वेश्चन, आमिर खुसरो प्लेड एन पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो इन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे एक काफी अच्छा रोल दिखाया है अपना इन द डेवलपमेंट ऑफ खारी बोली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए ही इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ खारी बोली। तो फ्रेंड्स इन्हें क्रेडिट दिया जाता है फॉर द इन्वेंशन ऑफ खारी बोली। इसके साथ साथ देखिए इनको पैरट ऑफ हिंदी के नाम से जाना जाता है और इनको माना जाता है कव्वाली और सितार के इन्वेंटर के रूप में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आमिर खुसरो से। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड एट द टॉम्ब ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह एट, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हर साल जो एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है टॉम्ब में ऑफ सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है देवा शरीफ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ इज बिल्ट बाई, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ पे जो है बिल्ड करवाया है सारनाथ स्तंभ को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अशोका बिल्ड द सारनाथ पिलर कोमेमोरेट द साइट ऑफ द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेयर ही टॉट द धर्म टू 5 मॉन्क्स, द अशोक पिलर एट सारनाथ इज अबाउट 15.24 मीटर इन हाइट एंड वेज 50 टन्स। तो देखिए यहाँ पे अशोका ने बनवाया था सारनाथ पिलर को ताकि कोमेमोरेट कर सके, ऐसा साइट है ये देखिए जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो थे इन्होंने प्रीच किया था, इन्होंने पढ़ाया था धर्म को टू 5 मॉन्क्स। ओके, तो ये प्लेस को यहाँ पे एज रिमेम्बरेंस इन्होंने यहाँ पे सारनाथ स्तंभ बनवाया है। तो देखिए ये जो पिलर है ना अशोक पिलर, इसकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइट कितनी है 15.24 मीटर है और वे इसकी कितनी है वेट, ये है 50 टन्स। ओके, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे द वर्ड एक्चुअरीज इज रिलेटेड टू, तो एक्चुअरी शब्द ये इनमें से किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर से एसोसिएटेड है एक्चुअरीज। देखिए अब एक्चुअरीज होता क्या है इसके बारे में बात करें तो इट इज रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ द एज टू विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन है ऑफ रिस्क ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसको जो है हम कहते हैं एक्चुअरीज। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, द मिनामाटा डिसीज ऑफ जापान इन 1953 वॉज कॉज्ड बाई ईटिंग फिश कंटामिनेटेड बाई, तो देखिए मिनामाटा डिसीज ये हुआ था जापान में कब, 1953 में। आपको बताना है यहाँ पे जो इन्होंने फिश खाया था वो किससे कंटामिनेटेड था जिसकी वजह से इन्हें मिनामाटा डिसीज हुआ था, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी के यहाँ पे कंटामिनेशन की वजह से मिनामाटा डिसीज होता है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल, तो इन निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वाइल बोथ जैसलमेर एंड लेह इन इंडिया आर ड्राई रीजन्स विद मिनिमम रेनफॉल येट एज पर रिकॉर्ड्स द एरिया विच रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज जैसलमेर। तो देखिए जैसलमेर और लेह ये दोनों ही यहाँ पे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे मिनिमम जो है रेनफॉल पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस में अगर जैसलमेर दिया है तो ठीक है जैसलमेर टिक करिए और अगर ले दिया है तो आप ले टिक करेंगे। अगर ऐसे आज की जैसे इस क्वेश्चन की तरह दोनों यहाँ पे ऑप्शंस में गिवन है
तो आपको जो है यहाँ पे टिक करना है जैसलमेर को, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में जो है जैसलमेर में सबसे कम रेनफॉल जो है देखी जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, मदर ऑफ गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश से थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलिया डायनेस्टी। तो देखिए फ्रेंड्स माया जो कि मदर थी गौतम बुद्ध की, ये बिलोंग करती थी कोलिया डायनेस्टी से, और इनको जो है क्वीन महामाया और क्वीन माया के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, नेम द पाला किंग हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया है, इसका करेक्ट आंसर इनमें से हो जाएगा फ्रेंड्स धर्मपाला। ठीक है, तो धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर अलॉन्ग विथ नालंदा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पाला एम्पायर के पीरियड में जो है ना, नालंदा और विक्रमशिला ये दो ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे बुद्धा की टीचिंग दी जाती थी। ओके, विक्रमशिला वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला इन 783 to 820 AD। तो इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था बाय धर्मपाला इन 783 to 820 AD। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से जाके इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच बैटल डिड मोहम्मद गोरी डिफीट जयचंद। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ चंदावर, जो कि हुआ था 1194 AD में। देखिए द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी जयचंद वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1194 AD बाई मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गढ़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जयचंद, जिनको डिफीट किया गया था बाई मोहम्मद गोरी इन बैटल ऑफ चंदावर। नेक्स्ट, इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वॉज नोन एज अघान्या। तो देखिए अघन्य इस नाम से जाना जाता था इनमें से काऊ को वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक पीरियड में काऊ को कहा जाता था अघान्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जियात्रंग मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो जियात्रंग मूवमेंट जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था मणिपुर में। क्या है ये मूवमेंट उसके बारे में बात करें, तो देखिए इट स्टार्टेड इन मणिपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ नागा वुमेन रानी गाइडिनलू। द मूवमेंट लेटर टर्न इन टू पोलिटिकल मूवमेंट सीकिंग टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम मणिपुर एंड द सराउंडिंग नागा एरियाज। तो ये एक ऐसा यहाँ पे मूवमेंट था बाई नागा पीपल ताकि वो जो है ब्रिटिश को आउट कर सके फ्रॉम मणिपुर एंड नागा एरियाज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वेयर वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी को फ्रेंड्स पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, ये कहा गया था फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैज सेड गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया था भाई गांधी जी इन कराची सेशन इन 1931। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन 1983 वाज सेट अप टू रिव्यू। तो यहाँ पे जो सरकारिया कमीशन है इसको किस चीज को रिव्यू करने के लिए बिठाया गया था, तो इसको रिव्यू करने के लिए बिठाया गया था फॉर द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, जो स्टेट और यूनियन के रिलेशन है उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए जो है सरकारिया कमीशन को बिठाया गया था, कब, 1983 में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लावणी इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से है लावणी। साथ में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से फोक डांसेस हैं, देखिए नौटंकी, साथ में बात की जाए तो रासलीला है ना, साथ में कजरी, नेक्स्ट है झोरा और है छपेली। तो ये सारे जो है फोक डांसेस है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो लावणी जैसे अभी हमने पढ़ा, लावणी के अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ से आता है नाकटा, कोली, राइट,
गाफा, तो ये सारे फोक डांसेस हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ से है झोरा, झाली, ओके, धामन। इसके अलावा यहाँ से महासू भी एक फोक डांस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से आ जाता है जवारा, जो काफ़ी यहाँ पे फेमस है, जवारा, मटकी, ठीक है, आडा। नेक्स्ट है खड़ा नाच। और भी बात कर ले तो गृदा डांस यहाँ से देखा जाता है। तो ये है कुछ डांस फॉर्म्स डिफरेंट स्टेट्स के, यहाँ पे आपको इन सबको देख लेना है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बहामनी सुल्तान वॉज नोटेड फॉर क्रुएलिटी एंड हेंस गॉट द टाइटल ऑफ जालिम। तो निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान जो थे, उन्हें क्रूरता के लिए विख्यात थे वो, और इसलिए उन्हें जालिम का उपाधि दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा हुमायूं, इनको जाना जाता था एज जालिम। ठीक है, बात करें क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए द बहमनी डायनेस्टी रूलर हुमायूं शाह वॉज नोन एज जालिम और ऑपरेसर ड्यू टू हिज क्रुएलिटी। तो देखिए उनकी क्रूरता की वजह से उन्हें जालिम नाम दिया गया था। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, द राजपथ वॉज डिसाइडेड टू बी परमानेंट वेन्यू फॉर रिपब्लिक डे परेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑनवर्ड्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। ठीक है, तो 1955 में जो है राजपथ को डिसाइड किया गया है एज परमानेंट वेन्यू फॉर रिपब्लिक डे परेड। देखिए 1955 राजपथ वॉज चूजन एज द परमानेंट वेन्यू फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पहले जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे रिपब्लिक डे हुआ है वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुकार्नो। इसके साथ फ्रेंड्स 1955 में ये डिसाइड किया गया था कि राजपथ में जो है जो परेड होता है वो वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की बात करें तो 2024 में कौन आने वाला है एज चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे आने वाले हैं फ्रेंड्स फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है फ्रांस के प्रेसिडेंट का, ये है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन ये आने वाले हैं चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2024। नेक्स्ट, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ विटामिन सी इन डाइट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स लीडिंग टू वीकनेस, एनीमिया, गम डिसीज एंड स्किन प्रॉब्लम्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जब विटामिन सी दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ऑप्शन में समझ आ जाएगा कि स्कर्वी जो है ना ये कॉज होता है ड्यू टू विटामिन सी की डिफिशियंसी से। यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं, वीकनेस, एनीमिया, गम डिसीज और स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारे यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं। ओके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन हाउ मेनी सिटीज वर प्रपोज टू बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ में इस योजना के तहत कितने शहरों को कवर करने का प्रस्ताव था, तो यहाँ पे 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया है फॉर स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन डैश दैट प्रिवेंटेड इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स विदाउट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस। तो देखिए जो आर्म्स एक्ट है आपको बताना है ये कब पास हुआ है जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से 1878। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए, इन 1878 सी द ब्रिटिश पास्ड द आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग एनी आर्म्स। द ब्रिटिश डिज नॉट वॉन्ट अ रिवोल्ट लाइक वन इन 1857 टू रियकर एंड हैज वॉन्टेड टू स्टॉप इंडियंस फ्रॉम हैविंग राइफल्स एंड पिस्टल्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पास किया गया था आर्म्स एक्ट जो है ना ब्रिटिश के द्वारा पास किया गया था ताकि जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसा कोई रिवोल्ट आगे ना हो, इसको रोकने के लिए जो है आर्म्स एक्ट को पास किया गया था 1878 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु टेक्स द सैल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट न्यू दिल्ली। तो रिपब्लिक डे परेड कहाँ पे होता है, ये होता है राजपथ में। तो आपको बताना है कि इसमें सैल्यूट कौन देते हैं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड होता है उसके दौरान सलामी देते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे रेड फोर्ट होता है ना वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं। ओके, रेड फोर्ट में पीएम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो भारत की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन देखा जाता है। नेक्स्ट,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक हो या और न्यायिक हो, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो इसके बारे में जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है आर्टिकल 144 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, डैश रिवर हैज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूजेबल वाटर। तो यहाँ में ऐसा कौन सा नदी है जिसके लिए जिसमें जो है उपयोग योग्य पानी जो है उसका अधिकतम भंडार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गंगा। ठीक है, तो रिवर गंगा में जो है मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है यूजेबल वाटर की, यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिहांग एंड लोहित आर रिवर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो दिहांग और लोहित रिवर्स फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं इनमें से अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। यहाँ पे तो ये ओरिजिनेट होता है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर में नियर मानसरोवर इन टिबेट। राइट, इन अरुणाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जो है फ्रेंड्स बांग्लादेश में, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। इट फ्लोज इन इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। तो ये तीन कंट्रीज में फ्लो करता है, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है लोहित, तीस्ता, इसके साथ सुभानसिरी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ठुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड। तो ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा कथक। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट श्रावण बेलागोला। तो निम्नलिखित में से कौन से मौर्य राजा ने श्रावण बेलागोला में आमरण अनशन किया और इसके साथ उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए ऐसा करने वाले जो राजा थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज डैश इन वेस्टर्न घाट। तो देखिए जो फ्रेंड्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी हम इसको कहते हैं, इसको वेस्टर्न घाट में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑस बोरो आमन पैडी क्रॉप्स आर ग्रोन इन एयर। तो देखिए हर साल जो है इनमें से किस राज्य में ऑस बोरो और अमन धान की फसलें एक वर्ष में उगाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में देखा जाता है ये ऑस बोरो और अमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑस बोरो और अमन है क्या, तो ऑस जो है ये सोइंग सीजन हो जाता है मई टू जून टाइम पे इसको सो किया जाता है, अमन की बात करें तो जून टू जुलाई में, और बोरो जो है नवंबर टू दिसंबर के टाइम में। राइट, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स टॉर्क। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स ऑफ सल्तनत पीरियड इन इंडिया पॉपुलराइज्ड कव्वाली अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक विच डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अरेबिक वर्ड कॉल मीनिंग टू स्पीक। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कव्वाली के बारे में, तो कव्वाली के इन्वेंटर किसको माना जाता है, आमिर खुसरो को माना जाता है एज इन्वेंटर ऑफ कव्वाली, और इन्होंने इंडिया में पॉपुलराइज किया है कव्वाली को। देखिए ये अरेबिक वर्ड से आया है कव्वाली, जिसका मतलब कॉल जो है इस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज वर द फाउंडर्स ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे फाउंड किया गया है भाई एचपी ब्लावट्सकाई और कोलोनल ऑलकॉट। तो ऑलकॉट और ब्लावट्सकाई के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को जो है दिखाया गया है या इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12-35 में है। तो कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके साथ बात करें राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमारे सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इयर्स इन डेंजरस जॉब्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों से नियोजित करने के लिए रोकता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में बात किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन एल के अडवाणी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं लाल कृष्ण अडवाणी, इनकी आत्मकथा है? तो इनकी जो आत्मकथा है फ्रेंड्स, इसका नाम है इनमें से माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम विच फाइव ईयर प्लान डिड इंडिया स्टार्ट इट्स जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन होता है एसएससी का, क्योंकि हर एग्जाम में, हर ईयर कोई ना कोई एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखा ही जाता है, क्योंकि और वो भी सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो है यही देखा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो है ना, इसमें बात किया गया था अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये दिया गया है सेकेंड फाइव ईयर प्लान में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, घनकांता बोरा बोरबयान हैज बीन कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ इनका नाम क्या है, ये है घनकांता बोरा बोरबयान, इनको किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है फ्रेंड्स पद्मश्री पुरस्कार सत्रिया। ठीक है, तो सत्रिया क्या है, ये क्लासिकल डांस है, कहाँ से, असम से, इसके लिए दिया गया है इन्हें पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जो जीएसटी होता है ना फ्रेंड्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें हमारा इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी आता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरू स्वामी पिल्लई एंड राजरत्नम पिल्लई आर एक्सपोनेंट्स ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई, ये दोनों कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के माइस्ट्रोज हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नादस्वरम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है ये कौन से स्टेट में पाया गया है बाई 2011 सेंसस? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स बिहार में। अगर आपसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए तो ये केरला में देखा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन भी है, द टर्म ड्रिबल इज जनरली एसोसिएटेड विथ। तो ड्रिबल शब्द जो है फ्रेंड्स ये आमतौर पर किस खेल से जुड़ा है? तो ये इनमें से जुड़ा है, राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। ठीक है, तो ड्रिबल वर्ड यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यहाँ पे स्टैटिक जीके के। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप बताएं कि दामोदर रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी इजी, अभी अभी हमने पढ़ा, इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये आप बताएं। इसके साथ अगर आप बता सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स का भी एक हमें एग्जांपल कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया है हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। यहां से आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को इंग्लिश मीडियम में भी बाय कर सकते हैं और हिंदी में भी बाय कर सकते हैं। राइट, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।